आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पिंपरी चिंचोड़ शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को पिंपरी चिंचोड़ महानगर पालिका और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन में शहर भर से 3000 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। तीन समूहों में आयोजित प्रतियोगिता की शुरुआत निगड़ी भक्ति शक्ति से सुबह 6 बजे गणमान्य व्यक्ति द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रतियोगिता के बाद प्रतिभागियों ने जुम्बा योग कार्यक्रम में भाग लेकर जश्न मनाया। साथ ही 83 साल के सीनियर कंटेस्टेंट को साइकिल दी गयी। शहर में प्रदूषण को रोकने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए साइकिल चलाना आवश्यक है। शहर में साइकिल चालकों की संख्या बढ़ाने के लिए पालिका के माध्यम से सड़क व साइकिल पथ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए नागरिकों को भी इस पहल में भाग लेना चाहिए। आयुक्त राजेश पाटिल ने ऐसी अपील की। 1 से 3 अक्टूबर 2021 तक पिंपरी चिंचोड़ पालिका के सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 9 थीम के आधार पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। 3 दिवसीय इस उत्सव के दौरान नागरिकों को विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला। छात्रों ने निगड़ी में रोटरी ब्रिज के अंडर पास में थीम के आधार पर वॉल पेंटिंग का काम पूरा किया है। इसमें दिव्यांगों ने भी हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन प्रतियोगिता एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें 500 से अधिक महिलाएं भाग लेती हैं। इसमें बच्चों, सामान्य समूहों और अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के लिए 7 किलोमीटर 15 किलोमीटर शामिल है और 75 किलोमीटर डिस्टेंस रेस आयोजित की गई। प्रतियोगिता की दूरी पूरी करने वाले खिलाड़ियों को गणमान्य व्यक्तियों ने मेडल देकर सम्मानित किया। प्रतियोगियों की मेडिकल सुरक्षा के लिए पालिका के डॉक्टरों की एक टीम नियुक्त भी की गयी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड़।